Hey guys, this is Chetan Chavda, motivational speaker and corporate trainer. आज का मेरा टॉपिक है बी द बेस्ट। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले बी द बेस्ट डाउनलाइन। जी हाँ दोस्तों, बी द बेस्ट डाउनलाइन, अपनी अपलाइन का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनके दिखाइए। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, हमको सब कुछ सीखना पड़ेगा। जो नॉलेज, जो ज्ञान हमारा इस बिजनेस में आने से पहले था, उस नॉलेज के साथ हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि उस नॉलेज के साथ हम कामयाब हो सकते तो हम पहले से कामयाब होते। आप अपनी अपलाइन का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाइए। अगर आपकी अपलाइन को आपकी पूरी टीम के अंदर से किसी एक इंसान को चुनना होगा तो क्या वो इंसान आप है? वो इंसान आप बन के दिखाइए कि अगर आपकी अपलाइन अपनी पूरी टीम में से किसी एक को चुने कि मेरा सबसे बेस्ट फॉलोवर कौन है, तो वो आप होने चाहिए। बी द बेस्ट डाउनलाइन, बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर अपलाइन। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बी द बेस्ट अपलाइन। इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए आपको एक बेस्ट अपलाइन बनना पड़ेगा। और बेस्ट अपलाइन बनने के लिए आपको एक लीडर बनना पड़ेगा और आपको अपनी टीम को नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही में आपको वो सब कुछ अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा जो सब कुछ आपने मार्केट से और अपनी अपलाइन से सीखा है। तो सेकंड पॉइंट है बी द बेस्ट अपलाइन। थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बी द बेस्ट प्लानर। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम एक बेस्ट प्लानर नहीं बनते तो हम लोगों को अपनी टीम में ला ही नहीं पाएंगे। आपको 30 मिनट मास्टर बनना है। 30 मिनट के अंदर किस तरीके से इंसान को प्लान दिखाए कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाए तो 5 लोग 29 फुट आपके साथ ज्वाइन करें और 5 लोगों को आप रात को सपने में आने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। बी द बेस्ट प्लानर, सबसे बेस्ट प्लानर बनने का आपका टारगेट होना चाहिए। दोस्तों, एक इंसान अगर ग्रेजुएशन करता है, बीए करता है, एमए करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो वो ग्रेजुएशन करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल तक पढ़ाई करता है और एक साल में कम से कम 5 सब्जेक्ट वो पढ़ता है। और वो सारी की सारी किताबें पढ़ने के बाद, समझने के बाद, दिमाग में उतारने के बाद उसकी एग्ज़ाम भी देता है और वो मार्केट में जब जाता है तो 15-20 या 25 हज़ार की उसको जॉब मिलती है। 15-20-25 हज़ार की जॉब के लिए हम ज़िंदगी के 15 साल सीखने के लिए तैयार है। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर 30 मिनट का प्लान आप सीख गए, अगर आप 30 मिनट मास्टर बन गए, तो ये 30 मिनट का प्लान आपकी जिंदगी में आप सारे सपनों को साकार कर सकता है, आपको लाखों रुपए की इनकम खड़ी करके दे सकता है और आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। बी द बेस्ट प्लानर, एक ऐसे प्लानर बनिए, अगर आप 10 को प्लान दिखाएंगे तो 5 लोग ऑन द स्पॉट आपके साथ ज्वाइन करें और 5 लोगों को रात को आप सपने में आने चाहिए मेरे दोस्त। बी द बेस्ट प्लानर। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर प्रॉब्लम। जी हाँ, मैं रिपीट करना चाहूंगा, बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर प्रॉब्लम। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो आप उसके लिए समस्या बन जाइए। अपनी जिंदगी के हर प्रॉब्लम के लिए आप प्रॉब्लम बन जाइए। अगर गरीबी आपका प्रॉब्लम है तो आप गरीबी के लिए एक समस्या बन जाइए, उसको अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक दीजिए। अपनी जिंदगी के हर प्रॉब्लम का आप दुश्मन बन जाइए, उसके लिए आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी अक्सर जब वो बीमार पड़ते थे तो वो खेतों में 4-4 घंटा काम करते थे। मैं उनसे सवाल पूछता था कि आज आप बीमार हो, आज आप ज्यादा मेहनत क्यों करते हो, आज आप रेस्ट करिए, आराम करिए। एक बार मेरे दादाजी ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, ये जो बीमारी होती है ना, वो बड़ी बुरी चीज होती है, वो घर ढूंढती है अपना। कुछ लोग बीमार पड़ते रजाई में चले जाते, बीमारी को वहाँ बड़ा मजा आता है। और मैं जब बीमार पड़ता हूँ, मुझे जब बुखार लगता है तो मैं 4 घंटे धूप में खड़ा रहता हूँ, बीमारी भी परेशान होकर भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी के हर प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉब्लम बनना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला, आप ही को उससे फाइट करना पड़ेगा। अगले 5 साल में अगर आप कामयाब नहीं होगे तो नाकामयाब ऑटोमेटिक हो जाओगे। बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर प्रॉब्लम। अपने जीवन की समस्या के लिए आप एक समस्या बन जाओ और अपने जीवन में आने वाले हर प्रॉब्लम से आप एक बड़े इंसान बन जाओ, एक ताकतवर इंसान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वो ही जो चलता है, बस इतना सा करना है।